एक थे अरुण जेटली, अब आज से कुछ इसी अंदाज में उनको याद किया जाएगा। आज उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, मगर देश की जनता, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के और आवाम क्या सोचती है उनके बारे में, उन्हीं की जबान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस तौर पर आज आप लोग याद कर रहे हैं उनको? हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बड़ा क्षति हुआ है, जिसमें कि इतने बड़े दिग्गज नेता का इस नुकसान की भरपाई होगा पाएगी लगता है? देखिए, जेटली जी की बात करें तो जेटली जी एक पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। ये मुझे नहीं लगता कि अब उनके जैसा कोई नेता इस टीम में, जिस तरह से उन्होंने जीएसटी के मामले में देश को, उनकी क्षति जो पार्टी को हुई है और हमारे राष्ट्र को हुई है वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएसटी इतने अच्छे ढंग से उन्होंने लागू किया, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक। और आपने उनको शुरुआत से देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे आज? शुरुआत से मैंने 1977 में देखा था, मैं पार्लियामेंट नौकरी मांग विदेश संचार में नौकरी करता था। मैं ये कहूँगा कि मेरा साथ चला गया और उसने मेरी जो मदद, मैं क्लास फोर में था, 24 घंटे में पार्लियामेंट ड्यूटी होती थी मेरी, वहाँ से राजनाथ, सुषमा स्वराज, कोई मदद की उन्होंने? मैं तो है राजनाथ, सुषमा स्वराज, वीपी सिंह, हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य थे वो, और उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, पार्टी को नहीं पूरे देश को क्षति हुई है उनके जाने से। वो बहुत ही कोई भी बात को रखते थे, बड़ा डिफेंड लेके चलते थे गवर्नमेंट को, भाई किस पॉइंट पे किस प्रकार से बात करनी, कैसे, क्या मदद की आपकी उसमें? मेरी मदद करी, मेरा पैसा रुका हुआ था 2003 से और मैं मिला हूँ अभी, आपका करवा दिया, मुझे मिल गई हेरे में, थोड़ा एड्रेस है, लिखित रूप है, उसने भेज दिए हेरे कागज है। तो ये अंदाज आज लोगों का, जिन्होंने अरुण जेटली के लिए आकर के यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन हर शख्स याद कर रहा है कि अरुण जेटली जैसा व्यक्तित्व बहुत कम लोगों में होता है। कैमरा पर्सन राघिब के साथ जब्बार खान, R9 TV।